वीडियो डिस्क्लेमर, दिस वीडियो इज ओनली फॉर एंटरटेनमेंट पर्पस, सो प्लीज डोंट टेक सीरियसली। हेलो गाइज, मेरा नाम है मानव और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल आरसी मैशअप में। गाइज, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक कमाल के मैशअप रिएक्शन को। अगर आपको ये मैशअप रिएक्शन की वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, थैंक यू। तो गाइज, आगे की बात हम वीडियो खत्म होने की बात करते हैं, तो चलिए इस कमाल के मैशअप रिएक्शन की वीडियो की शुरुआत करते हैं। धकेलने की कोशिश हो रही है, जिन अंधेरों से निकलकर हम एक अमन के उजाले की तरफ। संदूक में रख दिया गया जो उस वक्त खोला जाता है जब दुनिया कोई बड़ा नुकसान उठा चुकी होती है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। दुनिया में होने वाली हर जंग के नुकसान का अंदाजा दुनिया ने उस जंग के होने के बाद लगाया चलेगा। आज दुनिया सिमट चुकी है, हर लिहाज से सिमट चुकी है। इंटरनेट पर फूलों का शहर है पिशावर, जिसे दहशत गर्दों ने खून में छोड़ दिया ना। मुसलमानों को हमने खत्म ना किया तो इनको ये खतरा कि कहीं मुसलमान पूरी दुनिया के ऊपर हुकूमत ना करे, और इंशाल्लाह देखिएगा एक दिन इस्लाम गालिब आएगा। जय हिंद जय श्री राम। तो भाई 26 जनवरी अभी गई है, तो उस पर पाकिस्तानी लड़के ने जो बाहर रहता है उसे व्हाइट तिरंगा फहरा दिया, तो उसके बाद पाकिस्तानी मीडिया और आवाम दल के धुआं धुआं हो गया। और भाई इस लड़के के लिए जय हिंद और एक लाइक बनता है। तो वीडियो शुरू कीजिए, पाकिस्तानी क्या रिएक्शन आते हैं। 573 मिलियन डॉलर है, और जबकि पाकिस्तान के वही पास 3.7 मिलियन रिजर्व है। तो मैम जाहिर सी बात है, फिर मैं यही वजह समझता हूँ कि पाकिस्तानी को भी शायद इतनी मोहब्बत इंडिया के झंडे से। अच्छा, स्पेशल रिपब्लिक डे पर लहराया गया है ताकि इंडिया को स्पेशल फील हो, और अमेरिका के खिलाफ भी इसमें ट्वीट की गई है, ठीक है। आपको क्या लगता है, क्या वजूहत है कि आज हम देखते हैं कि उनका तिरंगा पूरे वर्ल्ड में लहराया जा रहा है? अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो हमारे दोस्त ममालिक भी हमें स्पेशल फील करवाने के लिए अपनी कंट्री में हमारा झंडा नहीं लहराते, क्यों? मैम देखिए, मैं इंडिया के साथ तो अच्छा तरह से हमारी जंग चलती आ रही है, सिर्फ वजह एक ही कश्मीर की, ठीक है। तो देखिए मैडम, पाकिस्तान इस टाइम पूरी दुनिया में, इंडिया पाकिस्तान कुछ भी नहीं, पाकिस्तान में बेसिकली पूरी दुनिया में इस टाइम दो फोर्सेज है जो आपस में लड़ रही हैं, एक है मुस्लिम फोर्स और एक एंटी मुस्लिम फोर्स, ठीक है। एंटी मुस्लिम फोर्स का काम ही है कि मुसलमानों को जल्द से जल्द खत्म करना चाहते हैं, समझ गया। क्योंकि अगर मैडम मुसलमानों को खत्म करने का ना इरादा होता इनका इंडिया का, तो शायद कश्मीर को इतना जुल्म कभी भी ना होता। अच्छा मुझे एक बात बताएगा, आपने कश्मीर की बात छेड़ी है, तो कश्मीर के छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे जो है मुस्लिम बच्चे, उन्होंने रिपब्लिक डे पर पूरी दुनिया को हैरान कर दिया था अपनी परफॉर्मेंस से, और जिस तरीके से उन्होंने सबके सामने आकर ये पढ़ा कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ना सिर्फ कश्मीर के बच्चों ने बल्कि दूसरे बच्चों ने भी। अब आपको क्या लगता है कि कश्मीर खुद चाहते हैं इंडिया के साथ रहना, अब आप क्या कहने वाले हैं? फिर मैं आपसे ये भी सवाल पूछना चाहूंगी, आपने बोला कि जो नॉन मुस्लिम्स हैं वो मुसलमानों को खत्म करना चाहते हैं, तो इस्लामोफोबिया ही क्यों, क्रिश्चियन फोबिया क्यों नहीं, सिख फोबिया क्यों नहीं? देखिए मैम, सबसे पहले तो मैं आपको ये जो जवाब दे दूं कि जब कश्मीर ने खुद फैसला कर लिया इंडिया के साथ रहने का, तो उनको इंडिया के साथ ही रहना दिया जाए। सही बात है कि मैम देखिए, ये दुनिया ऐसी है कि हम किसी को भी हम जोर जबरदस्ती हम लोग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो बेहतर मैं इसका आपको यही जवाब दूंगा कि अगर वो इंडियन में रहना चाहते हैं तो फिर इंडिया में ही रहने दिया जाए फिर उनको, ठीक है। दूसरा मैडम, ये इस्लामोफोबिया इसलिए कि आप तारीख उठा के देख लें, जब भी मुसलमान अपनी मजबूत कुव्वत के साथ उभरे हैं तो उन्होंने पूरी पूरी दुनिया पर उन्होंने हुक्मरानी किया है। तो उम्र फारूक का दौर देख लें, सबसे ज्यादा फौजवादी उनके दौर में हुई थी, ठीक है। इनको मैडम, इनको ये खतरा है कि अगर हमने मुसलमानों का अगर जिंदा छोड़ दिया ना, मुसलमानों को अगर हमने खत्म ना किया, तो इनको ये खतरा है कि मुसलमान पूरी दुनिया के ऊपर हुकूमत ना करें, और इंशाल्लाह देखिएगा एक दिन इस्लाम गालिब आएगा। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी, और कुछ लोग मनोरंजन भी करवाते हैं। अच्छा मुझे एक बात बताएगा, आपने बोला है मुसलमान पूरी दुनिया पर हुकूमत करेगी, सऊदीया बड़ी मुस्लिम कंट्री है, दुबई बड़ी मुस्लिम कंट्री है, इनके खिलाफ प्रोपेगेंडास क्यों नहीं होते? बांग्लादेश के खिलाफ प्रोपेगेंडास क्यों नहीं होते? इंडोनेशिया के खिलाफ प्रोपेगेंडास क्यों नहीं होते? पाकिस्तान वाले हमेशा यही कहते हैं ये प्रोपेगेंडा है, ये प्रोपेगेंडा है, आप क्या कर रहे हैं बताए? ये बड़ी अच्छी बात कही है। मैम देखिए, मैं एक ही बात कहूंगा, ये प्रोपेगेंडा बेसिकली पाकिस्तानी आवाम को नहीं कर रही है, पाकिस्तानी गवर्नमेंट हमेशा से प्रोपेगेंडा का, इस तो पाकिस्तानी की हुकूमत ने ही इसको प्रोपेगेंडा का नाम दिया हुआ है। पाकिस्तान की हुकूमत इसलिए शायद रोना होती है कि उनको शायद फंडिंग आएगी, कहीं से उनको इमदाद आएगी, इस वजह से वो प्रोपेगेंडा का रोना हो रहे होते हैं। मुस्लिम्स के खिलाफ प्रोपेगेंडा, मैम बेसिकली वो मुस्लिम के खिलाफ प्रोपेगेंडा का नहीं रोते, वो इसलिए कहते हैं कि दूसरी मुस्लिम्स के खिलाफ प्रोपेगेंडा की बात कर रही हूं ना। देखिए मैम, मुस्लिम मैम देखिए, अरे कहना क्या चाहते हो, क्या क्या कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? सीधी सी बात है, पाकिस्तान एक ऐसा वाहिद मुल्क है जहाँ पे किसी किस्म की यहूदियों ने या ईसाइयों ने इन्वेस्टमेंट नहीं किया, क्योंकि मैम एक आर्टिकल में मैंने ये भी पढ़ा था कि सऊदी अरब जैसे शहर में जिस दौर में यहूदी इसराइल सऊदी अरब और इसराइल में यहूदियों को नबी पाक के दौर में इनको इनको
जिला वतन कर दिया गया था, यहूदियों को जिला वतन कर दिया गया था। सिर्फ आपको मैं इसका एक वाक्य बता दूं, नबी पाक का दौर था, एक यहूदी का वही औरत की चादर के ऊपर आ गया, वो जब दुपट्टा उतरा ना तो मुसलमानों ने तो हथियार निकाल लिए कि ये क्या तरीका है जी ये कि तुम्हारी वजह से कोई औरत एक मुसलमान औरत बेपर्दा क्यों हुई। इस वजह से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब कुछ जिला वतन कर दिया। इस चक्कर में हमारे नबी पाक सभी भी शहीद हो गए इसी सिलसिले में। इस वजह से नबी पाक ने उनको जिला वतन किया था। मैम जिस जगह से उनको जिला वतन किया गया आज वही जगह उनको $500 अरब का इन्वेस्टमेंट का मौका दे रही है यहूदियों को। इस वजह से मैडम यहूदी अब जैसे शहर में इस तरह के काम नहीं होते हैं। और मेरी बात बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश भी देखा जाए तकरीबन इंडिया को ही सपोर्ट कर रहा है। हाँ, उन्होंने खुद कहा है कि हम इंडियन सिविलाइजेशन का पार्ट है, पाकिस्तान से कुछ लेना देना नहीं है। और मुझे एक बात बताएं, नॉन मुस्लिम तो अमेरिका भी है, नॉन मुस्लिम तो चाइना भी है जिनसे हम डॉलर्स लेते हैं, क्या कहेंगे? मैम देखिए, कुछ दुश्मन हमें होते हैं जो हमारे मुल्क के खुल के मुखालिफत कर रहे थे, जिनके बारे में हमें कंफर्म पता होता है कि हमारे दुश्मन है। लेकिन कुछ दुश्मन हमारे इस तरह होते हैं जो मैम सबसे पहले तो मैं इंडिया को ही कहूंगा क्योंकि इंडिया की हमारी शुरू से जंग चलती आ रही है। ठीक है, समझ गया। ठीक है, अब मैम देखा जाए ना, बेसिकली दोस्ती किसी से भी हमेशा इस तरह नहीं की जाती है। कोई भी सियासत में दोस्ती कोई किसी से इस तरह नहीं करता है, किसी को कोई ना कोई मफादात का होता है तो इस वजह से वो करता है। आप हम कहते हैं कि इंडिया हमारा दुश्मन है, इंडिया हमारा दुश्मन है, क्या आप उनको दोस्त मानते हैं? क्या आपको ये पता है कि आप एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स उनसे लेते हैं, जब आप गंदम उनसे लेते हैं, जब आप प्याज उनसे लेते हैं, जब आप चावलों के बीज उनसे लेते हैं, तब दुश्मनी कहां जाती है? क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। जब आप WHO से ये कहते हैं कि आप इंडिया से अपील करें हमें मच्छरदानियां दे दें, तब दुश्मनी कहां जाती है? मैम देखिए, मैं यही कहूंगा कि मैडम यही हमारे मुल्ला की सबसे बड़ी है कि हमें इस कदर पे देखने गुलाम बना दिया गया कि हम दुश्मन से खुद भीख मांगने पे मजबूर है। हम लोग अपने मुल्क में भी रहते हुए हम लोग दूसरे के गुलाम है। इस वक्त मैडम आप देख ले पाकिस्तान में वो निजाम तालीम चल रहा है जो आज से तकरीबन 20 साल पहले एक्सपायर हो जाएगा। लॉर्ड मेकाले ने ये तालीमी निजाम सिर्फ इसलिए बनाया था ताकि वो लोगों को गुलाम बना सके। आज तक इसमें कोई अमेंडमेंट नहीं की जा सकी है। बच्चा आजकल कोई माँ बाप ऐसे नहीं जो बच्चों को ये कहे। मुझे एक बात बताएगा, सऊदीया वगैरह की आपने मिसाल दी है, सऊदीया अफगानिस्तान बांग्लादेश की बात की जाए तो अफगानिस्तान की मैं बात करूँ, उन्होंने तो अपनी बसेस पे भी तिरंगा लहराया था, तिरंगा बनवाया था। ठीक है, क्या लगता है हमारी मुस्लिम कंट्रीज भी इंडिया की जानिब ही है? वो भी प्रोपेगेंडा है। लेकिन मसला सारा ये है कि मैडम हम इंडिया का भी सपोर्ट हम लोग नहीं कर सकते। आप क्या सपोर्ट करेंगे? सपोर्ट मैडम हम कर ही नहीं सकते, हमारे पास कुछ हमारे पास सपोर्ट करने को होगा तो हम करेंगे। मैं इसमें ये चीज कहूंगा कि जिसने इंडिया का झंडा लहराया सबसे पहले तो वो पाकिस्तानी नहीं है, पाकिस्तानी है शायान अली, पाकिस्तानी है। हमारी नजर में वो पाकिस्तानी नहीं है, उससे मेरा क्या फायदा है? वो पाकिस्तान का ही मुसलमान नहीं है, पर वो हमारी नजर में ये चीज अकाउंट ही नहीं होती। बाकी उसके दिमाग की सेंस है कि वो उसने ये क्यों किया है, उसको पकड़ा जाए, उससे पूछा जाए, तभी ये तो फिर हमारी पाकिस्तान पुलिस का काम है ना कि वो इसको। पाकिस्तान में पुलिस जिसने ये कहा कि वो भी अपना किरदार दिखाए ना, उनको बताए, उसको पकड़े, उसको इतनी ट्रिब्यूट देने के लिए वो आएगा तो सही ना पाकिस्तान में कभी ना कभी, तो फिर उसको पता चल जाएगा कि वो वहाँ पे इंडिया का, उसने जाया तो यहाँ पे क्या करने आया। अच्छा सर, मुझे एक बात बताएगा, अगर चाइना का कोई इस तरह से ही ट्रेडिशनल ओकेजन हो, हम उनका यहाँ पर झंडा लहराएं, उनको ट्रिब्यूट दें, तो क्या तब भी ये हम पर भी लागू होता पुलिस वाला? नहीं नहीं, हम भी नहीं होता, क्योंकि पाकिस्तान और चाइना उन सब तो दोस्त है, पाकिस्तानी कहते हैं चाइना भाई, वहाँ पे तो हमारे खिलाफ बातें होती है इंडिया में, कई पाकिस्तानी ऐसे हैं वो इधर आ जाए, वही है पाकिस्तानी भी आई थी। तो देखिए अब इस पर बात कर रहे हैं, यानी कि इन पाकिस्तानियों के अकल पे हैं जो भाई कीड़े पड़ चुके हैं, यानी कि अकल कहाँ पे गई होगी, यानी कि जो एक बंदा बाहर गया, खुद ही वीडियो में बोलते हैं कि भाई आपने रिएक्शन देखे होंगे कि भाई हम बाहर जाके खुद को इंडिया का फील करते हैं और इंडिया का ही बोलते हैं ताकि हमारे इंसल्ट ना हो, हमें इस वजह से काम वहां पर मिलते हैं। ठीक है, और अब उस बंदे ने यानी कि वहां पर तिरंगा फहरा दिया, तो एक तो पाकिस्तानी खुद प्यार करते हैं, वही प्यार मोहब्बत बढ़े दोनों देशों के बीच। ठीक है, और दूसरा अब ये बोल रहे हैं कभी ना कभी पाकिस्तानी आएगा, पाकिस्तान आया, यानी कि पाकिस्तान आएगा उसको खतरा है पाकिस्तान से फिलहाल, यानी कि पाकिस्तानी जो पाकिस्तान में रहकर बाहर चला जाता है, क्योंकि पाकिस्तान में तो फ्रीडम है नहीं इस चीज की, यानी कि कुछ भी अपने मन के विचार या कुछ भी कर सके, तो वो बाहर जाके उसने कर लिया तो बड़ा ही क्राइम उसको मानना है। तो आप लोग क्या है, कम से कम जो रुके जय हिंद जय भारत।
वीडियो होती है तो अपना डिस्कशन रखती हूँ, अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करती हूँ, तो नीचे बहुत सारे पॉजिटिव कमेंट्स आते हैं और कुछ इस तरह के आते हैं कि होप्स हो पाकिस्तान की कंडीशन बेहतर हो जाए, पाकिस्तान को अपने बारे में सोचना चाहिए, मतलब बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स भी आते हैं। तो फिर बहुत अच्छा लगता है कि इस तरीके से पॉजिटिव जो है ना, जो ऑडियंस होती है ना, वो बड़ा ही ज़्यादा फिर दिल खुश हो जाता है कि वो आपको ऐसे ऐसी बातें कहते हैं कि आप खुश होते हैं कि यार जो इंसान आपको सपोर्ट कर रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे और आपके बारे में अच्छा सोचने वाले हैं। गाइज, आपको यह मैसअप रिएक्शन का वीडियो कैसा लगा अपने थॉट को नीचे वीडियो के कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।